महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान जारी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने किया बड़ा दावा, कहा हमारे पास 170 विधायकों का समर्थन। शिवसेना को समर्थन दे सकती है एनसीपी, पार्टी नेता नवाब मलिक बोले, अगर शिवसेना छोड़े बीजेपी का साथ तो उसके समर्थन को है तैयार। पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे का दूसरा दिन आज, थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चैन ओचा से मिले पीएम मोदी, बैंकॉक में 16वीं आसियान इंडिया समिट में भी की शिरकत। मोदी सरकार की घेराबंदी के लिए कांग्रेस का महाप्लान तैयार, अगले महीने महारैली करेगी पार्टी, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका तक भरेंगे महंगाई को लेकर हुंकार। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने में जुटी प्रियंका गांधी, कल बुलाई कांग्रेस की उत्तर प्रदेश सलाहकार टीम की बैठक, नए संगठन को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा, डीएचएफएल से उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के कथित सौदे को लेकर प्रियंका ने दागे सवाल, पूछा कर्मचारियों का पैसा सरकार ने क्यों डुबोया। फिर एक बार गरमाई कर्नाटक की सियासत, बीएस येदुरप्पा का ऑडियो क्लिप वायरल, कहा अमित शाह के कहने पर कांग्रेस और जेडीएस के विधायक बने भागी। बीजेपी के साथ सत्ता में आते ही दुष्यंत चौटाला ने सहयोगी को दिखाया, कहा खट्टर सरकार में घोटाले हुए तो होगी जांच, अब पहले की तरह काम नहीं चलेगा। व्हाट्सएप मामले में ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप, कहा मेरा फोन टैप किया गया, यह केंद्र और 3 राज्य सरकारों के इशारे पर हुआ। राम मंदिर मामले को लेकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा अयोध्या का फैसला आने के बाद ना जीत का जुनूनी जश्न, ना हार का हाहाकारी हंगामा हो। 30,000 मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र, सभी बार काउंसिल और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, वकीलों ने किया कामबंदी का ऐलान। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, राजधानी में 1,000 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स, सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। भारत उज़्बेकिस्तान के बीच 3 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उज़्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में हुए समझौते। चीन अमेरिका आयोवा में कर सकते हैं ट्रेड वार्ता के पहले चरण के समझौते पर हस्ताक्षर, चीन और अमेरिका के व्यापार वार्ताकार सैद्धांतिक सहमति पर पहुंचे। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया प्रस्ताव, अब खुद कर सकेंगे 75,000 रुपए तक का मोटर एक्सीडेंट क्लेम, अभी तक 50,000 रुपए का क्लेम करने का प्रावधान, नॉन मोटर क्लेम को बढ़ाकर 1.5 लाख करने का प्रस्ताव। आयकर विभाग ने टाटा समूह के 6 ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, इनमें जमशेदजी टाटा ट्रस्ट, आरडी टाटा ट्रस्ट शामिल, ट्रस्टों के सरेंडर किए जाने के बाद आयकर विभाग ने की कार्यवाही। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज पर किसी का कब्जा नहीं, आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 21 रनों से मात दी, सीरीज 1-1 से बराबर। भारत और बांग्लादेश के बीच आज से शुरू होगी 3 मैचों की T20 सीरीज, T20 में विराट कोहली को दिया गया आराम, रोहित शर्मा संभालेंगे टीम इंडिया की कमान। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती से पहले कपिल शर्मा के आवास में रिलीज हुआ गाना, हर्षदीप कौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया गाना। और शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर नहीं उठाया सलमान खान का फोन, दबंग खान ने शाहरुख खान को विश और फोन न उठाने की शिकायत करते हुए एक वीडियो किया शेयर।